हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो फाइनली आज जो है ऊपर का जो हमने प्लान किया था कि टेरेस गार्डन के लिए मेरे को शेड चाहिए सो दैट वो बंदर अंदर से बचा रहे, जो कि अब तक बचा हुआ है, बट अब शायद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गर्मी में बंदर बाहर निकलेंगे और वो उत्पात मचाएंगे। सो जो भी फ्रूट्स है भी लगाएं वो सब रिस्क में हो सकता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि उस पर शेड लगाएंगे। सो आज जितने बस फुड़वा है, बस फुड़वा उनको कहते हैं जो बांस का काम करते हैं, सो वो लोकल लाइट्स हैं, वो आएंगे और पूरा बनाएंगे। सो उसका पूरा व्लॉग देखना आज। कर रही है मुझे पहले कि ये जितने भी पेड़ है वो सब एक साइड कर देना है इस साइड, ताकि आराम से हो जाए। सबसे बड़ा जो हेडेक है ना, हेड नॉट हेडेक, हाँ मतलब थोड़ा टफ जॉब तो है। अब जितने भी प्लांट इस समय बने हुए हैं उन सबको अपनी जगह से यहाँ से हटा के उनको साइड करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम होगा। लेट्स स्टार्ट वन बाई वन। Need a demon's call when they do, and now I feel it taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I can heal it all. I just gotta get through. Just gotta. यही से ऊपर चढ़ा लो इधर से, फिर वहां से ऊपर खींच लेंगे। ये छोटा छोटा देख लेंगे। हाँ पहले बड़ा चढ़ा लो, ऊपर पहुंच गया ना। वो क्लिप नीचे रख के हमको दे देना, जरा स्टूल दे देना, वो क्लिप नीचे रख के। सो अभी सारे चारों बाउंड्री वाले के जो पिलर्स है उसको काट रहे हैं, उसके बाद छत का बनाएंगे। सो छत का ये लूप बेसिकली चीर के लाए ऑलरेडी पहले से, ताकि यहाँ पर टाइम कम लगे। सो ये देखो पूरा ये लाइन, ये इतना मजबूत हो जाएगा ना कि मतलब कुछ भी आए तो कुछ दिक्कत नहीं हो, हैं पूरा रहेगा ना। सो ये दो बारिश लग गए, अब इधर का होगा सारा काम। ये देखो कितने हो जाना चाहिए, नहीं इस पे कहाँ चिरा पाते, आप लोगों को वहाँ की आदत भी है, 10 लोग मदद करने वाले भी हैं, खुद ही चिरे या और लोग भी चिरे हैं मिलके। हमको लगा 3-4 लोग क्या, तुम तो कह रहे थे हम 3-4 लोग ले आएंगे, उसी हिसाब से दिहाड़ी बांधे। तेज हो तुम बेटे, तेज हो तुम, 4 लोग का बोल के लाए, से 2 लोग आए हैं। अरे वो नहीं कह रहे हैं हम, के 4 लोग बोल के कि हम लोग अकेले हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, अच्छा है, बाकी तो मजबूती रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, बंदर अंदर सब है ना। इस पर पेंट करवा देंगे, हाँ इस पर एक हरा वाला कपड़ा आता है ना, वो डलवाएंगे, नया लगवाएंगे ना। अब वो अभी कहाँ से लाए, सुन कहाँ मिलेगा, वो तो ऐसे बिछ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत काटी वाला अंदर कर दिया था। हाँ काटी वाला अंदर कर दिया। नहीं ऐसे रखना काटी, ऐसे ही रखना, उल्टा मत रखना, क्योंकि बंदर कूदेगा तो काटी खुलने लगेगा, तो इसलिए ऐसे ही रखना। सो बेसिकली ये वाला इधर के लिए हो गया है, वहाँ के लिए अब ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। ये वाला जो है वो ये पीछे वाले के लिए ना, पीछे वाला पीछे के लिए, और ये वाला साइड को एक और बना रहे हैं, साइड वाले एक और बन रहा है। अभी तुम देखना, कई लोग देखेंगे ना तो भी हमसे बोलेंगे कि हमारा भी बनवा दो, क्योंकि सबके यहाँ ऊपर को प्रॉब्लम यही है कि बंदर आके खा जा रहा है, और किसी को दिमाग में आया नहीं कि कैसे बनवाना है। अरे तो वो कांटी तो एकदम मजबूती से भाई, हाँ पिलर बाकी सब स्ट्रांग गड़ा ना एकदम, ये तो सब स्ट्रांग ही है, बढ़िया बना है। यहाँ पर कुछ बांधना पड़ेगा, ये लचकेगा,
है ना। सो ये देखो फाइनली एक आउटपुट का भी आइडली आ रहा है एक हिसाब से। यहाँ पर सपोर्ट के लिए डाल दिया दो, और ये एक फ्रेम बना के डाला पूरा सो दैट इट डोंट गो डाउन। सो ये वाला एक परमानेंट फिक्स है, ये वाला थोड़ा सा ओपनिंग के लिए रहेगा ताकि मैं अंदर आ जा सकूँ। आई होप इट्स लुकिंग गुड। इधर कील ठोक दिया। हाँ ढिलाई बांधना ताकि हम एक सिंगल आदमी खोल पाए। उठा के बांधना, ईटा लगा लो नीचे, उसके बाद ही उठा के बांधिएगा उसको। यहाँ भी ईटा लगाओ तो ये वाला ऐसा करा रहे हैं कि ये वाला ओपन हो पाए, इसलिए इसको हिंज की तरह बांध देंगे। खुलेगा तो नहीं ये, ऊपर से फंसा के लेना चाहिए था, इतने से सरकेगा। नीचे बांधो एक तार है, समझ गए थे कहीं से। एक बड़ा नहीं काटना चाहिए, इस वाले में छोटा मारते हैं। कहाँ तार तार तार, बिना तार के होगा नहीं। तो उसके नहीं चीर के ऐसे कुछ बना सकते हो? प्लास्टिक से ही बांधो, क्या करोगे। अभी खोलेगा, खोलो जरा देखे। अच्छा खुल जाएगी ना। हाँ हाँ ठीक है, एक फिर अलग बांध दूंगी। नहीं रहने दो, बस इसको ऐसे समझ गया। एक बार इसको अंदर करना जरा, ये एकदम पेड़ को एक बार उधर करना जरा, थोड़ा देखें जरा बंद कैसे हो रहा है। तीनों आगे वाला तीनों पेड़ उधर करिए। हाँ सर ये वाला भी वो ठीक है, ये वाला बस अब बांधो। देखो इसको जब ऐसे करेंगे ना, इसको छोड़ो ऐसे, बस हो गया। चलो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। सो भाई ये फाइनली अपना डन, देख लो कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बता देना इफ़ यू वांट एनी आइडिया फॉर दिस। एक में दो दो कर दी। हाँ एक में दो दो लंबा लंबा कर दो ताकि मेरा थोड़ा काम आ जाएगा सबके। चार पीस निकाल दो, ज़्यादा नहीं चाहिए, चार पाँच पीस। तीन बड़ा कर दीजिए, और तीन का करने के बाद बीच में से भी काट दीजिएगा। एक और दो काट के हो तो गए। नहीं एक और निकाल दो कह रहे, एक और दे दो, चार तो दे दो। वैसे हमारा वाला बांस नहीं चिरा पाएगा ना, सूख गया हमारा वाला, नहीं चिरा पाएगा, ताज़ा चिराता। चलो तुम लोग सब एक काम और करवाएंगे, एक दो काम करवाएंगे हम, बताएंगे थोड़ा निपट जाए काम से, फिर करवाते हैं। कैसे मिल रहा है इस समय बांस, कैसे है बांस? और लोग का बहुत महान है। कितना चल रहा है यहाँ पर लालडिगी पे? ढाई सौ वैसे सस्ता तारामंडल में, यार तारामंडल में बहुत सस्ता है। लालडिगी पुराना हो गया ना, सब मन मुताबिक कर रहे हैं अपने हिसाब से। तुम बगल में ही तुम लोग रेट बढ़ा दियो सारा, बस यहीं रख दो ये रख दो, है ना। बगल में आप ही लोग रेट बढ़ा दिए, जानते हैं कि इन लोगों की मजबूरी है, काम करना ही करना है।
ये ले जाओगे आप? अरे हमारे पास भी कोई छोटा रख देते, हमारे पास सब खत्म हो गया। अरे वो छोटा नहीं, मतलब थोड़ा एक पाँच छः फीट का तो काम रहे, अभी काम आना ही है इसके बराबर। इसके अंदर अपने सारे प्लांट्स लगा रहा हूँ बेसिकली, करके आ रहा हूँ मैं। जैसे टमाटर है ना, इसका लोड बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो अभी क्या कर रहा है, इस धागे की मदद से, इस रस्सी की मदद से मैं सारे प्लांट्स को बांध रहा हूँ, और जितने भी डंडे हैं ना वो सब निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे वो नए वाले ज़रूरत पड़ेगी, नए वाले गमले जितने भी लगा रहे हैं। तो ये देखो कैसे किया मैंने, ये एक पेड़ है, इस पर ये बांध दिया रस्सी, अभी बांधा नहीं आपको, और ये ऐसे आ गया, तो ये सारे ऐसे ही बनते जा रहे हैं। तो बेसिकली मैंने ये सोचा है कि इस साइड में, पीछे वाले साइड में पूरा ही टमाटर बांधेंगे, क्योंकि आगे मुझे अब जो इस सीज़न में आने वाले हैं, जैसे नीम हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, भिंडी तो चलो साइड में भी रखा जाएगा, बट जो लता वाली चीज़ है ना वो इस बैक में नहीं करूँगा, नहीं तो सारे फल पीछे जाके गिरेंगे, वो सारे फल मुझे लगाने हैं आगे के साइड। तो ये सारा काम परमानेंट होता जा रहा है, और अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है कि मेरे टमाटर का पेड़ गिर रहा होगा, टूट रहा होगा, मुझे बार बार चिंता लग रहा था यार, कितने मेहनत से हमने बनाया है पेड़ों को, अब वो सारे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो इस रीज़न से थोड़ा सेफ़ है। और इनफैक्ट ये वाले बनने के बाद तो सबसे अच्छा सेफ इसलिए है कि अब बंदर मामा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे वो अभी तक भी कुछ नहीं कर रहे थे, नाम क्यों बदनाम कर रहा है, बट अब कर देते हैं, क्योंकि गर्मी में सारे बंदर एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादातर, और वो बहुत उत्पात मचाते हैं, और वो इतना उत्पात मचाते हैं कि आपके सारे फल को नुकसान करा देंगे। ये भी हो गया, अब कुछ पेड़ लेके आते हैं जो बाहर रखा हो मैंने, वो यहाँ पर भी लगा देते हैं। एक एक पेड़ को बच्चे की तरह लाना पड़ता है, मतलब ये चीज़ करने के लिए, बट कुछ ना कुछ काम आ ही जा रहा था। दो महीने पहले प्लानिंग बना दी थी कि ऐसा एक ग्रीन हाउस टाइप बनाना है अपने लिए, ताकि मेरे सारे पेड़ अच्छे से बढ़े बिना किसी डर के, और वो करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। पहले मुझे सही आदमी नहीं मिल रहे थे जो ये बना पाए, क्योंकि सब लोग बनाते नहीं है तो आइडिया नहीं देता, लेकिन बस पुड़वा जो हैं, जो बांस का काम करते हैं, वो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, तो उनसे, और वो लगन में बहुत बिजी रहते हैं, तो पहले तो उनका डेट लो, उसके बाद सब करना पड़ता है। ठीक है, ओए ओए ओए। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसका जितना हो सके आपको बता पाओ, होपफुली आपको पसंद आया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना क्या है क्या नहीं है। सो ये वाला जो पूरा टेरेस गार्डनिंग का है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उतने अच्छे से मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहे थे कैसे मैं छत का बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ, क्या है जो पीछे स्क्वायर है उसका डिस्टेंस रखूँ सो दैट बंदर अंदर ना आ पाए, बहुत छोटा हो जाएगा तो धूप भी नहीं पहुँचेगा, ऊपर ग्रीन वाले कपड़े से मेरे को कवर करने का भी कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं तो दिमाग में रखनी पड़ती हैं बनवाते समय, ऐसा नहीं है कि आपने बस उठे एक दिन और चले सोचे बनवा दिया। सो प्लानिंग होती है कि कौन से कैसे क्या रखेंगे, सो प्लानिंग अपने हिसाब से आप करो, फ्री कोई फ़ायदा है। ओए हालत देखो, पूरे मिट्टी मिट्टी, सो अभी तो सिर्फ इधर का एरिया बना पाया है, सिर्फ ये वाला एरिया किया है, इतने में इतना टाइम लग गया, देख रहे हो सारे धागे बांध के। ये ब्रोकली रेडी हो गया, इस ब्रोकली को आज हार्वेस्ट करना है। घंटा हो गया करते करते, चप्पल भी टूट गया, इतनी गंदगी, लेकिन ठीक है, जब किसी को सुंदर बनाना तो खुद के हाथ गंदे करना पड़ता है, क्या डायलॉग है। बस एक फाइनल ये बाकी है, इधर का थोड़ा बहुत हो ही गया है, ये वाला सोच रहा हूँ हटा दूँ, ये सब जला वाला के साफ करके, अभी इधर नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले बताऊंगा देखो कैसा है। तो फाइनल अब एक लास्ट स्टेज, क्योंकि दो दिन से पानी नहीं पड़ा है तो पानी डाल दिया मैंने काफ़ी, अभी दूर से दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मेरे लिए देखो बहुत प्यारा है क्योंकि मेहनत से बनाया है। यहाँ से भी फाइनली अब बन गया, अब देखो ग्रीन हाउस, नहीं ग्रीन हाउस तो नहीं, पूरा बांस का ही है, बट हाँ ठीक है जो भी कहना चाहो। सो ये उस हिसाब से मैंने कर दिया, ये गेट आपने देख ही लिया था, ये देखो लाइन से सारे पौधे लगा दिए, सब कुछ आ गया, अब एक सिस्टमेटिक तरीके से, कहीं कुछ भागने की ज़रूरत नहीं है। अब ये गर्मी के सीज़न के हिसाब से लगा दिया मैंने, ये चारों लौकी के पेड़ हैं ताकि ये इस पर आराम से चढ़ पाएँ। इधर एक मैंने खीरा लगा दिया क्योंकि लौकी के साथ खीरा ठीक है, कद्दू उधर है क्योंकि कद्दू लौकी के साथ नहीं होगा, सुधर कर दिया। और ये सारे देखो कैसे बांधे मैंने ढंग से, अच्छे से ये सब बंधा गए, और अब ये ग्रोथ भी करेंगे, बड़े भी होंगे क्योंकि अब इनको एक सपोर्ट मिल गया, पहले क्या सपोर्ट नहीं था, पहले इधर उधर गिर जाता रहता था, तो अब इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। अब बैगन देखो सब फ्लावर्स आ गए, ये एक बैगन रेडी भी हो रहे हैं छोटे छोटे, इधर भी साइड भी, ये
रेडी हो रही। ब्रोकली इनको हार्वेस्ट करना, आज काफ़ी चीज़ें हार्वेस्ट करूँगा क्योंकि नहीं तो ख़राब भी होने लगेगा, सो इसलिए हार्वेस्ट करना भी जरूरी। वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट जो अब तक देते आ रहे हो, बट स्टिल लॉट टू कम। सो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लग गई, पैसा भी लग गया, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बट हाँ अगर लोहे वाला का काम करा तो उसके मुकाबले ये काफ़ी चीप पड़ा मेरे को, मतलब 50% चीप पड़ गया इनफैक्ट, फिर भी 3-4 हज़ार के आसपास में लग ही गया चीज़ें। लेकिन ठीक है, जब आप किसी को एक अपना घर देते हो, अच्छा सा स्पेस देते हो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। कोई बच्चे को अगर आप सड़क पर रखोगे वो बढ़ेगा नहीं, तो अगर आप बच्चे को बढ़ना चाहते हो, देना चाहते हो, तो उसको आपको पानी के साथ घर, छत, पानी, हर चीज़ देना पड़ता है। रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, तो रोटी हो गया, कपड़ा हो गया उनको ग्रो बैग्स, रोटी हो गए उनके खाद और ये सब, पानी और मकान ये हो गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट, कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, होप यू लाइक इट।